वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए ये लेके आई हूँ चावल के आटे का नाश्ता। अगर आपके पास चावल का आटा और आलू है तो चलिए तैयार हो जाइए दिवाली स्पेशल नाश्ता बनाने के लिए। चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले आलूओं को हम बॉईल कर लेंगे। मैंने 5 मीडियम साइज के आलू बॉईल कर लिए हैं। इसको हम ग्रेट कर लेंगे। 1 कप चावल का आटा, टेस्ट के अनुसार नमक और आधी छोटी चम्मच बेकिंग पाउडर। सारे आलूओं को हम अच्छे से कद्दूकस कर लेंगे। वन टेबल स्पून वेजिटेबल ऑयल, इनको हम मिक्स करेंगे अच्छे से। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए हम इसका डो बना लेंगे। ऐसा डो हम तैयार कर लेंगे। इसको हम 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रखेंगे। डो हमारा रेस्ट कर चुका है, अब हम इसको मिलेंगे। ये हमारे रेडी हैं, अब हम इन्हें फ्राई करेंगे। गरम ऑयल में अब हम इनको तल लेंगे। हमें इन्हें मीडियम आंच पे तलना है। ये गोल्डन ब्राउन होने तक हमें इन्हें फ्राई करना है। ये देखिए, ये हमारे अच्छे से सीख गए हैं। ये देखिए, हमारा चावल और आलू से बना नाश्ता तैयार है। देखिए कितना कुरकुरा बना है और कितना अच्छा दिख रहा है और कितनी जल्दी बन गया है। इस दिवाली आप ये जरूर ट्राई करिए और मेरी रेसिपी देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।